चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। मसालों के अंदर में अब तड़का आपको कहां पर दिखाई देता है? निश्चित तौर के ऊपर एक हेजिंग टूल, जो जहां से जगदीप जी ने एक शुरुआत की कि हेजिंग टूल यहां पर अगर आप लेकर के चलेंगे और जो स्पेकुलेटिव मूव्स हैं उनको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो निश्चित तौर पर यहां पर आपके पास में जो नुकसान का घर है वो कम हो जाएगा और एक अच्छा फायदा आप देख पाएंगे। अश्विन जी, चूंकि आप एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं और एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट फिगर आप देखते हैं और इंटरनेशनल मार्केट तो यहाँ पे वोलेटिलिटी की मार्केट है और आए दिन वहां पे बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, और ऐसे के अंदर में हेजिंग टूल कितना फायदेमंद है आपसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो इसी बात को, हेजिंग टूल को मैं लेकर के आपके पास आ रहा हूं, और NCDX चूंकि हेजिंग टूल हमें बहुत बेहतरीन प्रोवाइड करता है, तो इसके ऊपर आपके विचार, और आप बोलना शुरू करें इससे पहले जितने भी हमारे साथ में पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उन सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है ये इस समय पर मार्केट टाइम्स टीवी पर लाइव टेलीकास्ट है, वहां से भी लोग देख रहे हैं इस समय पर इस चैनल को और अपनी डिस्कशंस को लाइव मॉनिटर हो रहा है, और आपके भी कोई जानने वाले होंगे तो उनको भी आप वहां पर भी लाइव कनेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं और वो भी यहां पर लाइव इसको वॉच कर सकते हैं। अश्विन जी, आपके पास उसी सवाल के साथ हेजिंग टूल। एक्चुअली मैं US और यूरोप के एक्सपोर्ट से काफी जुड़ा हुआ हूँ जी। US और यूरोप के बायर्स होते हैं वो काफी लंबे समय के शिपमेंट्स के ऑर्डर देते हैं, पहले 3 महीने 6 महीने कभी कभी 12 महीने तक के, और नॉर्मली इधर अपने जो प्रैक्टिकल मार्केट है उसमें आप फॉरवर्ड का कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते। एक्सपोर्ट्स के लिए अगर NCDX का यूज कर सके वो बहुत बढ़िया चीज है। जैसे मई का कोई पोजीशन चल रहा है, जून का पोजीशन चल रहा है, तो वो पोजीशन लेके हम US के बायर को जुलाई का शिपमेंट, अगस्त का शिपमेंट दे सकते हैं, और हम हेज हो जाते हैं, हम सिक्योर्ड हो जाते हैं, आगे जाके बाजार ऊपर नीचे होती है तो उससे हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि तो बायर से एक बार जो रेट में कमिट कर लिया उस रेट से हम लोग पीछे या आगे नहीं मुकर सकते, जो रेट से बोला उसी रेट से देना पड़ेगा, और उसको फिक्स करने के लिए NCDX में हेज करना सबसे बड़ा सेफ रास्ता मेरे हिसाब से नजर आता है। आपने अपने इस, जैसे अभी आपने बताया आपका जो एक्सपीरियंस है, निश्चित तौर के ऊपर NCDX एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और हम यहाँ पर एक इसको हेजिंग टूल के तौर के ऊपर पे देखते हैं, और हेज करके चलने से अपने रिस्क को कम किया जा सकता है। आपके पास एक्सपीरियंसेस हेजिंग टूल को लेकर के क्या कहते हैं, एक चीज, और दूसरा इस समय पर मसालों के अंदर कौन सा ऐसा मसाला है जो बेहतरीन तड़के का काम कर सकता है? सर, मैंने कई बार पास्ट में, जैसे नए क्रॉप आते हैं अपने इंडिया में सभी मसालों के मार्च अप्रैल में, और हमारे जो बायर्स होते हैं वो हमसे जनवरी फरवरी में ही डिमांड करने लगते हैं कि आप अप्रैल के ऑर्डर्स बुक करो, मई के ऑर्डर्स बुक करो, तो उसमें हमने कई बार इसमें हेज किया है, उधर से बाय किया है और उधर ओवरसीज बायर को सेल किया है, उस तरह से हम हेज करके कई बार सेफ आगे बिजनेस कर चुके हैं। ये मेरा खुद का पास्ट एक्सपीरियंस है। बाकी अभी जो मसालों में तड़कों की बात है तो जीरा, धनिया और हल्दी, ये तीनों ये साल के हॉट टॉपिक बने हुए हैं मसालों के बाजार में, तीनों NCDX में भी ट्रेड हो रहे हैं, और तीनों की क्रॉप की कम सोइंग, उसके बाद क्रॉप की डैमेज, और इंटरनेशनल सिनारियों की अगर मैं बात करूँ तो जीरे में इंटरनेशनली खाली इंडिया ही सप्लाई सोर्स है, इसके लिए जीरे में खाली इंडिया ही सप्लाई कर सकता है, एक ट्रेंड बना हुआ है पिछले 2-3 साल से, क्योंकि दूसरे जो कंट्री है सीरिया, तुर्की, वो सब आउट ऑफ
मार्केट है समझो, उनके खुद के पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उनके वेदर के प्रॉब्लम है, उनके यहाँ जो वॉर सिचुएशन चल रही है सीरिया में सालों से वो एक प्रॉब्लम है। तो इसके हिसाब से जीरे में खाली इंडिया ही सप्लाई सोर्स है, और धनिया में इंडिया के अलावा अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीने से रशिया और यूक्रेन एक सप्लाई सोर्स थे, उसमें भी अभी पिछले 2-4 दिन से एक नया माहौल खड़ा हुआ है, और लग रहा है कि रशिया भी जो सप्लाई कर रहा था काफी जगह पे वो काफी डिस्टर्ब हो जाएगी। कम से कम 2-4-5 महीना अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर धनिए का अभी नेक्स्ट 6-7 महीना के लिए सबसे बड़ा और अच्छा सप्लाई सोर्स खाली इंडिया ही है, और ये सब प्रोडक्ट्स में अभी इंडिया में ऑलरेडी कम सोइंग और क्रॉप डैमेज के बाद निवेश करने के लिए काफी बढ़ने के बावजूद ये मार्केट मुझे अभी भी अच्छे नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन जी। अश्विन जी आपको क्या लगता है इस समय पर, क्योंकि आप तो एक्सपोर्ट से बड़ा क्लोजली जुड़े हुए हैं, इस समय पर इंटरनेशनल जो गुड्स का ट्रांजिट है उसमें किस तरीके की आप समस्या को फेस कर रहे हैं, और इस समय जो प्राइसिंग है उस प्राइसिंग का जो अप एंड डाउन है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि आज नहीं तो 1 महीने बाद 15 दिन के बाद जो इस समय पर हम यूक्रेन के अंदर और आपका रशिया के बीच के अंदर जो तनाव देख रहे हैं वो कूल ऑफ होगा, कूल डाउन होगा, और अगर वो कूल डाउन होता है तब मार्केट कैसा दिखाई देगा आपको, तब आप मार्केट को कैसा देख रहे हैं, और उस समय पर क्या उसकी स्ट्रेटेजी को लेकर के किस तरीके से काम करना चाहिए, और जो इस समय पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो इस समय पर प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। जी अभी जैसे रशिया यूक्रेन का जो मामला हुआ है उसका तो अभी तत्काल कोई प्रभाव मुझे नहीं लग रहा कि कंटेनरों के फ्रेट के ऊपर या ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर देखने को मिला है। एक बात है कि जो कंटेनर्स ऑलरेडी शिप में हैं और रशिया यूक्रेन की साइड से होके जा रहे हैं, जैसे यूक्रेन का एक पोर्ट है ओडेसा, वो एक ट्रांजिट पोर्ट है, तो काफी वेसल उधर से नहीं जाते हुए डाइवर्ट करके उसको रोमानिया डाइवर्ट कर दिया गया है, ग्रीस डाइवर्ट कर दिया गया है, वो एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको माल धुलाई की बात करूं तो 2020 में जब मार्च में कोविड आया तब हम लोग जो कंटेनर न्यूयॉर्क के लिए इंडिया से भरते थे 40 फीट साइज का $2,500 में, उसका आज फ्रेट है $14,000, मतलब $2,500 से सीधा $15,000। उसी तरह हम लोग दुबई के लिए कंटेनर भरते थे $200 में, वो है $1,200। ये दो जो एग्जांपल है, टोरंटो का कंटेनर हम लोग $3,000 में भरते थे, वो $20,000 तक भरे। तो एक फ्रेट हाइक शिपिंग इंडस्ट्री ने जबरदस्त अपने सारे 100-150 साल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऊपर की तरफ बनाए हुए हैं, उसका हमको इम्पैक्ट एकदम शुरू में तो बहुत आया, बायर्स सेलर्स के झगड़े हुए, फ्रेट सेटलमेंट करने पड़े, लेकिन पिछले कुछ 6-8-12 महीने से वो एक सेटलमेंट हो चुका है, ये फ्रेट सबने एक्सेप्ट कर लिए, ये फ्रेट गिन के ही माल जा रहे हैं और उधर पहुंच रहे हैं, तो उससे अभी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी काफी पोर्ट्स के ऊपर क्वारंटाइन के रूल्स के हिसाब से जो डिले चल रहा है उसके हिसाब से जो माल हम लोग कई बार 1 हफ्ते में वेसल के ऊपर ऑनबोर्ड कर देते थे वो ऑनबोर्ड करते करते 3-4 हफ्ते लग जाते हैं, वो एक डिले चल रहा है, वो एक बड़ा इम्पैक्ट है। और हाई फ्रेट है वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा मांगते हैं शिपर और बायर दोनों की तरफ से। तो ऐसे ऐसे के अंदर तो मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन है, क्योंकि अगर डिले आ रहा है 3-4 हफ्ते का जो डिले है उस दरमियान तो मसालों के बाजार के अंदर काफी उठापटक हो जाती है, और ऐसे में ही अगर प्राइस अप चला जाता है तो जो सेलर है वो हो सकता है कि बेचना चाह रहा हो लेकिन जो बायर है अपर प्राइसेस अगर हो गए तो वो बैकफुट पे चला जाए, या सेलर हो सकता है कि बैकफुट पे चला जाए कि भैया आप तो मार्केट प्राइस ऊपर चला गया है, जिस रेट के ऊपर सौदा हुआ था आज अगर मैं उसी रेट के ऊपर पे प्राइस दे रहा हूँ और सौदा कर रहा हूँ या उसको डिलीवरी दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के टसल होती है, यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा होता है। हाँ जी एक्चुअली ये जो मामला है वो सही में आपने जैसे पकड़ा वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि 1 महीना या 2 महीने के डिफरेंट में इधर बाजार अपने यहाँ 4-4-5-5% एक दिन के अंदर ऊपर नीचे हो जाती है, तो बायर्स करीब कई बार बैकआउट होते हैं, कई बार सेलर बैकआउट होते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में ज्यादा करके अभी जो ट्रेड हो रहे हैं वो सेलर और बायर एक दूसरे से नॉन पार्टियों से ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एडवांस लेके कर रहे हैं,
10-20%, 25%, क्योंकि सबको यही डर है कि कोई भी कारण से कोई आगे पीछे नहीं हो जाए, और एक दूसरे के नॉन पार्टियों से ही ज्यादा करके ट्रस्टेड पार्टियों से व्यापार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ छुटपुट घटनाएं ऐसी हो जाती है। और इंडियन शिपर्स जो है उनकी एक क्रेडिबिलिटी भी है, वो थोड़ा बहुत या करीब अच्छा खासा भी बाजार ऊपर नीचे हो जाए तो शिपमेंट करने से ज्यादा करके मुकरते नहीं है। बायर साइड में बोले जाए तो काफी कंट्रीज जो है उसमें ज्यादा करके प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन कुछ कंट्रियों में प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम वाली कंट्रियों से शिपर्स ज्यादा करके एडवांस लेके ही ऑर्डर बुक करते हैं। अश्विन जी, आपको क्या लगता है ये जो तीन मसाले हैं, हल्दी, जीरा, धनिया, इन तीनों में आपकी नजर में हॉट पिक क्या रहनी चाहिए, और इस समय पर इन तीनों कमोडिटीज में सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मर कौन सा है? सूरज जी देखिए, मेरे जो पसंद की बात है तो मैं गल्फ फूड हुआ उससे पहले, और गल्फ फूड के टाइम पे भी जो रशियन ट्रेड सुने उससे पहले भी मैं रशियन और यूक्रेन के कोरिएंडर के ट्रेड सुन रहा था। उसके जो रेट थे, वो रेट में जो सौदे हो रहे थे, वो सब मुझे पता है। उसके बावजूद भी मेरा पहला पसंद अभी जीरे के रेट ऊपर आने के बाद, मतलब पिछले 15 दिन से गिने या 1 महीने से गिने, तो मेरी पहली पसंद अब आगे के समय के लिए धनिया है। सेकंड नंबर जीरा है, और थर्ड नंबर मेरे लिए टर्मरिक है। क्योंकि धनिया, और उसमें धनिया में मेरी पहली पसंद ऑलरेडी था, और ये रशिया यूक्रेन का फैक्टर और ऐड हुआ है तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल उसके हो जाते हैं। फंडामेंटली भी देखे तो धनिया और जीरा दोनों के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। कैरी फॉरवर्ड जैसा धनिया में बताया गया, पिछले 3-4-5 सालों का लोएस्ट है। फिगर कितने हैं वो तो वैसे भी निकालना मुश्किल होता है, लेकिन एक अपर लेवल का प्राइस बनने के बाद भी पुराने मालों की बिकवाली कितनी आती है बाजार में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कैरी फॉरवर्ड कितना है। वो दोनों चीजों में, धनिया और जीरे में, इतना जम के आया नहीं है बाजार में। तो मुझे कैरी फॉरवर्ड भले कोई कितने भी फिगर बोले, लंबे फिगरों पे कैरी फॉरवर्ड पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने प्राइस बनने के बाद भी अगर बाजार में माल पुराना नहीं बिकने आ रहा है, मतलब कैरी फॉरवर्ड कम है, या फिर इतने स्ट्रॉन्ग हाथों में है कि वो कोई एकदम नए रेट की राह देख रहे हैं, फिर आपको उसको गिनने का कोई मतलब नहीं है। और जीरे का रेट एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है, मुझे जीरे में भी अभी काफी जान नजर आ रही है। एक अराइवल का प्रेशर अभी नेक्स्ट वीक में भी बनेगा, इसमें मंगलवार को शिवरात्रि है, लेकिन सोमवार और बुधवार दोनों दिन अराइवल का प्रेशर बन सकता है। पास्ट में मैंने देखा है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में कई बार अराइवल रिकॉर्ड तोड़ हो उसी दिन तेजी के सर्किट लगते हैं, और जब अराइवल बिल्कुल नहीं हो तब मंदी के सर्किट भी लगे हैं। तो अभी वो कैसे परफॉर्म करता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल अराइवल कोई भी एक दो वीक में जब भी प्रेशर बनाएंगे तो करेक्शन जब भी आता है, तो ये दोनों चीजों में बाइंग का मौका है। जीरे में लेवल बताऊं तो मुझे 250 का लेवल नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी अगर जाए तो मना नहीं कर सकते, और धनिया में मुझे 150 का लेवल नजर आ रहा है। टर्मरिक में मेरी ज्यादा स्टडी नहीं है, लेकिन टर्मरिक के जो रेट ऑलरेडी हाई बने हुए हैं वो शायद बने रहने चाहिए, उसमें ज्यादा लंबी तेजी अभी मुझे इसके ऊपर नजर नहीं आनी रही। नहीं यार, एक बेहतरीन एस्पेक्ट है, एक अच्छा लेवल आपने दिया है, और निश्चित तौर के ऊपर जो इस समय पर इंटरनेशनल जो सिनेरियोस बन रहे हैं और जो हमारे पास भी जो डाटा छन करके आ रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखा रहा है मसालों के अंदर में।